नमस्कार, उमा रमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, LIC की बिडिंग प्रोसेस समाप्त हो गई है। बिड प्राइस 902 रुपए से 949 रुपए का प्राइस बैंड है और अब इसका लिस्टिंग होना बाकी है। नॉर्मली ये अपने लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ही लिस्ट होना चाहिए, लेकिन मार्केट का कंडीशन अभी ठीक नहीं है। हर दिन हम एक ऊपर या नीचे गैप देख रहे हैं, तो हम इसका लिस्टिंग किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम इसको किस तरह से आने वाले समय में मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, इस चीज के लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा वाइब्रेशन चार्ट जो है वो हम नेम चार्ट से जो निकालते हैं, WD गैन थ्योरी पे बेस किया हुआ, वो चीज ऑलरेडी हम आपको अपने चैनल के शुरुआती दिनों से हम आपको सिखाते आ रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हम इसको कवर कर रहे हैं। LIC को बहुचर्चित IPO है, तो इसका जो वाइब्रेशन नंबर निकला है वो 8 निकला है, 8। और ये जो आपके सामने अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक्सेल शीट, ये इसका इनर स्क्वायर है। अभी आउटर स्क्वायर में इसलिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में लिस्टिंग होना सबसे पहली बात तो अभी बाकी है, और इसका जो आउटर सर्किल का पार्ट है वो 2888 यानी कि 2888 प्राइस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा 45 डिग्री का लाइन है। गैन के ट्रेडिंग में 45 डिग्री का लाइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और ये ऑर्बिट चेंज का मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने का ये पोजीशन है। लकीली क्या है कि आप यदि LIC का प्राइस बैंड देखते हैं, वो हाईएस्ट प्राइस बैंड जो है वो 949 का है, 949 का है, और हमको इस 45 डिग्री पे जो है वो हमको एक आपको प्राइस बैंड 968 का दिख रहा है, और उसके बाद दूसरा ऑर्बिट चेंज जो है वो 1350 का आ रहा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन कमी है कि ये अपने 949 से नीचे लिस्ट हो। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो इनिशियल इसका जो जोन बन रहा है वो 968 से लेकर के 1350 रुपए तक के प्राइस जोन में ये ट्रेड करना चाहिए एज पर नेम चार्ट। यदि लिस्टिंग इसके बिडिंग प्राइस से ऊपर हुआ, 949 जो है वो अपर लिमिट है, यदि उससे ऊपर हुआ तो ये इस जोन में आ जाएगा। यदि नीचे हुआ, यदि 968 से नीचे हुआ LIC की लिस्टिंग, तो उसका जो इमीडिएट जोन आता है वो 968 से लेकर के 648 का आता है। देखिए, ये मैंने आपको ये बताया कि ये 45 डिग्री का लाइन है, ये ऑर्बिट चेंज है एज पर नेम चार्ट वाइब्रेशन। तो इसका यदि आप देखें तो बेसिकली 648 से लेकर के 968 और 1352, ये तीन जोन है। मोस्ट प्रोबेबली देखिए, इसका जो हाईएस्ट बिडिंग प्राइस है 949, वो हमको इस जगह पे मिल रहा है 968 के जोन पे। यदि इसके ऊपर हुआ तो 968 से 1350 का जोन, 968 के नीचे हुआ तो 968 से 642। तो ये आपको ब्रॉडर रेंज जो है वो आपको दिख रहा है IPO का फिलहाल, जो इस प्राइस रेंज में ये ट्रेड कर सकता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि LIC का प्राइस बैंड जो है वो फिलहाल हमको 648 से लेकर के 968 और देयर आफ्टर 1352, इसी जोन के बीच में जो है वो हमको फिलहाल दिख रहा है एज पर दिस नेम चार्ट वाइब्रेशन। इन बिटवीन मैं रूल एक बार फिर से आप लोगों के सहूलियत के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सारे जो है वो हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ये सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल हैं जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे होंगे, और ये हमारा 45 डिग्री का है जो ऑर्बिट चेंज का है। तो इन सारे चीज को आप इमीडिएट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए जो है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेम चार्ट वाइब्रेशन ही हमारे पास एक ऐसा टूल आता है जिसके आधार पे हम इसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को निकाल सकते। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।